ये खबर आपको बताने से पहले मेरी रूह कांप रही है क्योंकि पूछता है माँ भारो, पूछता है भारो, कहाँ गया बे साला हरम तार गुप्त स्थाने रोड ढुकिए मस्जिद মাদ্রাসার মধ্যে হতো তারা ন্যাংট নাচ শুরু করে দিত পাকিস্তানের দালাল গুলো আজকে চুপ রয়েছে হিন্দু বোনেরা হিন্দু মেয়েরা হিন্দু ভাইয়েরা এই ভারতে সুরক্ষিত নয় যারা হিন্দুত্ব নিয়ে কথা বলেন যারা মাদ্রাসা নিয়ে কথা বলেন যারা মসজিদ নিয়ে কথা বলেন যারা হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ভাগাভাগি করেন যারা লাভ জিহাদের কথা বলেন আজকে কাহা গিয়া বে নিকাল সালে মন্দিরের ভিতরে হ্যাঁ দর্শক আমি এ আলি আপনি দেখছেন ইউটিউব বাংলা 10 চলুন আগে বাড়া যাক ভারতবর্ষে ভারতে হিন্দু মহিলারা সুরক্ষিত নয় কেন ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখলে আপনাদের রক্তটা ঠান্ডা হয়ে যাবে কোথায় গেলি কাহা গিয়া বে সালা নিকাল বড় বড় বাত করতা হে রামরাজ্যর কথা বলে হিন্দু রাষ্ট্রের কথা বলে মুসলমান হিন্দুদের মধ্যে ভাগাভাগির কথা বলে সেই সমস্ত জানোয়ারগুলো আজকে কোথায় উত্তরপ্রদেশে যোগী আদিত্যনাথের রাজ্যে 50 বছরের এক মহিলাকে মন্দিরের ভিতরে ধর্ষণ করে তার গুপ্ত স্থানে রড ঢুকিয়ে তাকে হত্যা করা হলো বিস্তারিত দেখুন পুরো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখুন জানতে পারবেন সেখানে কি ঘটেছিল তিনজন মিলে ধর্ষণ করেছে তার মধ্যে রয়েছে একজন পূজারি রয়েছে আজকে গদি মিডিয়াগুলো রিপাবলিক ভারত পুছতা হে মা ভারত পুছতা হে ভারত কাহা গিয়া বে সালা হারামখোর আজকে কোথায় গেল কোথায় লুকিয়ে বসে আছিস তোরা অর্ণব গোস্বামী জি নিউজ সুধীর চৌধুরী অর্ণব গোস্বামী সুধীর চৌধুরী জি নিউজ কোথায় গেলি আমিস দেবগান আজকে যদি এটা কোনো মসজিদ মাদ্রাসার মধ্যে হতো কি হতো কোনো মুসলিম যদি এই ঘটনাটি ঘটাতো আজকে দালাল মিডিয়াগুলো জামা প্যান্ট খুলে তারা ন্যাংট নাচ শুরু করে দিত কাহা গিয়াবে বাত কর দেখা গদি মিডিয়াদের মধ্যে কোনো চর্চা নেই পাকিস্তানের দালালগুলো আজকে চুপ রয়েছে এই ঘটনাটা এতটা ভয়ঙ্কর ঘটনা এই ঘটনাটা সারা পৃথিবীতে ছড়াবার দায়িত্ব হচ্ছে আমার আপনার কারণ যারা হিন্দুদের কথা বলে যারা রামরাজ্যের কথা বলে যারা হিন্দু রাষ্ট্রের কথা বলে আজকে তারা চুপ একটার পর একটা হিন্দু মা বোনেরা হিন্দু বোনেরা হিন্দু মেয়েরা হিন্দু ভাইয়েরা এই ভারতে সুরক্ষিত নয় চলুন দেখুন ভিডিও ये खबर आपको बताने से पहले मेरी रूह कांप रही है क्योंकि निर्भया कांड से भी ज्यादा जघन्य और विभत्स घटना उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुई है और ये जो बदायूं गैंगरेप ही नहीं बल्कि भरभरता कांड है क्योंकि मंदिर में गैंगरेप हुआ गैंगरेप के बाद प्राइवेट पार्ट में रॉड डालकर उसे कुचल दिया गया पैर तोड़ दिए गए पसलियां तोड़ दी गई उस लड़की की पेट तक सरिया डाला गया उसके बाद गाड़ी में लादकर दरिंदे महिला के घर के बाहर फेंककर भाग गए और पुजारी सत्यनारायण दास और उसके साथियों ने महिला से गैंगरेप किया देखिए नाम भी पता है पुजारी ने किया मंदिर के अंदर उसके प्राइवेट पार्ट में सरिया डालकर आते तक फाड़ डाली अब आप सोचिए ये पूरी सारी डिटेल आपको बताना जरूरी भी है लेकिन कितना मुश्किल हो रहा है आप सोचिए निर्भया के साथ जो हुआ था उसको आज तक हम भुला नहीं पाए हैं
उसको आज तक हम भुला नहीं पाए हैं और उसी तरह की घटनाएं अभी भी हो रही हैं और उत्तर प्रदेश में बदायूं में होती है और कहां होती है, एक मंदिर के अंदर होती है, पुजारी खुद करता है, उसके शरीर का सारा खून निचुड़ गया और मौत हो गई। और आपको पता है इसमें सबसे ज्यादा घिनौना काम किसने किया? पुलिस ने 44 घंटे तक उस लड़की का पोस्टमार्टम तक नहीं किया। 44 घंटे सबसे घिनौना काम बदायूं पुलिस ने किया। ये मारकर दरवाजे पर डाल दिया। अब कुछ नहीं, कुछ तो हुआ ही, अभी तो करीब 3000 लोग मिल के थे। पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस मौके पर नहीं, तो अभी आई है। तो सुबह से जब से तो आई नहीं थी, पुलिस के पास ही गई। पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही रही, कहीं ना कहीं यही वजह है जिस तरह से अपराधियों के जो हौसले वो बुलंद होते हैं। क्योंकि जो आरोपी था वो घटना के करीब 20 घंटे बाद तक यहाँ पर मीडिया से बात करता रहा और अपने आप को जो है सफाई देता रहा था। वो दोनों अभी भी फरार है। बदायूं पुलिस कह रही है कि परिवार ने जो अपनी तहरीर दी है और उसके हिसाब से जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उसमें 376D और 302 का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और साथ ही लापरवाही बरतने वाले तत्कालीन SHO को निलंबित किया गया है। सबसे आसान है, सस्पेंड कर दो। सबको पता है कि सस्पेंशन ही होगा, इससे आगे कुछ होगा नहीं। तो कुछ भी हरकत करते हैं, सबसे घिनौना काम इस पर पुलिस ने किया है। और मैं आपको एक जरा जानकारी देना चाहती हूँ। सूर्य प्रताप सिंह जो कि रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, उन्होंने लिखा कि मैं बदायूं कलेक्टर रहा हूं और मैं ऐसी असंवेदनशीलता बर्दाश्त नहीं कर सकता। पोस्टमार्टम के लिए 2 दिन का इंतजार करना, FIR दर्ज करने से मना करना, क्या एक गैंगरेप और हत्या के मामले में यह व्यवहार उचित है? और उन्होंने ये भी कहा कि वो अभी बदायूं तक जा रहे हैं। और साथ ही एक खबर उन्होंने जो शेयर की है उसको तो पढ़ने के बाद, उसको समझने के बाद तो और ज्यादा आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये देखिए, 44 घंटे बाद पोस्टमार्टम हुआ और महिला के परिजनों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया, लेकिन जो थानेदार रविंद्र प्रताप सिंह थे उन्होंने परिजनों की फरियाद सुनना तो दूर, घटनास्थल का मौका मुआयना तक नहीं किया। सबसे पहला काम पुलिस के लिए क्या होता है? आप पहले जाकर जो घटनास्थल होता है उसका मुआयना करते हैं। वो तक नहीं किया उस आदमी ने। पहले तो पुलिस परिजनों को थाने के चक्कर कटवाती रही, जिसकी बेटी के साथ पहले इतना जघन्य अपराध हुआ, गैंगरेप हुआ, इतनी बुरी तरह से ब्रूटल तरीके से उसको मार डाला गया, उसकी हत्या हो गई, 44 घंटे तक आपने उसका पोस्टमार्टम तक नहीं किया, उसको पुलिस थाने के चक्कर कटवाती रही। ये बदायूं पुलिस, महिला की मौत कुएं में गिरकर हुई ये कह दिया पुलिस ने। इसलिए मैंने कहा कि जो घिनौनी हरकत उस पुजारी ने की वो तो की ही, उससे ज्यादा बड़ा घिनौना काम उत्तर प्रदेश की बदायूं पुलिस ने किया है कि पूरे मामले को छुपाने और लीपा पोती करने में लग गए। ये तो कम से कम निर्भया के समय पर नहीं हुआ था। पूरा का पूरा देश सड़क पर उस वक्त आ गया था इंसाफ मांगने के लिए निर्भया और उसके परिवार के लिए, क्योंकि हर आदमी ने यह सोचा था कि कल को ये हमारी बेटी हो सकती है। क्या वो लड़की हमारी बेटी, हमारी बहन नहीं हो सकती? क्या हमको नहीं ये आवाज उठानी चाहिए? पुलिस इस तरह की हरकत कैसे कर सकती है और उसके बाद फिर उसमें लीपा पोती करी, सिर्फ इसलिए कि ये सब कुछ एक ऐसे राज्य के मंदिर में हुआ जो राज्य इस बात का दंभ भरता है कि हिंदू बहुत सुरक्षित है और हिंदू कुछ भी कर सकता है, और मंदिर के अंदर होता है और पुजारी खुद करता है और इतना जघन्य अपराध करता है, और उसके ऊपर फिर लीपा पोती करने के लिए उसी राज्य की पुलिस पूरी तरह से लग जाती है। ये बताकर कि कुएं में गिरकर उसकी मौत हुई, ये बताकर मामला रफा दफा करने को कहा गया, लेकिन काफी दबाव के बाद मामला दर्ज किया गया और सोमवार को दोपहर 44 घंटे बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। महिला डॉक्टर समेत 3 डॉक्टरों के पैनल ने उसके बाद पोस्टमार्टम किया, जिसके बाद फिर 376D और 302 का मामला दर्ज किया गया। अब आप सोचिए कि पोस्टमार्टम एक तो पहले इतना लेट हुआ और देर करने की कोशिश थी, ये तो इतना दबाव बना इस वजह से करना पड़ा, वरना तो पूरी कोशिश थी कि इसके अंदर रेप का मामला ही ना आए। आप सोच रहे हैं 2021 में जहां एक रिलीजियस प्लेस पर सो कॉल्ड प्रीस्ट वो एक लड़की के साथ इतना जघन्य अपराध करते हैं, इतनी ब्रूटैलिटी के साथ, और उससे ज्यादा घिनौना ये है कि एक राज्य का पूरा पुलिस महकमा उसको बचाने में लगता है और उस पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश करता है और उसमें गलत जानकारी देकर उस मामले को खत्म करने की कोशिश करता है। उत्तर प्रदेश से आई ये घटना बेहद चौंकाने वाली है, बेहद शर्मसार करने वाली है। हाथरस के बाद, अभी हाथरस की सच्चाई खत्म भी नहीं हुई थी,
अभी हाथरस की सच्चाई से हम उभरे भी नहीं थे और हाथरस में किस तरह से लीपापोती की गई, उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कितना हड़काया पुलिस महकमे को ही और साथ में उत्तर प्रदेश की सरकार को, उसके बाद मुश्किल से 3 से 4 महीने के बाद हमें एक और ऐसी घटना देखने को मिलती है जो उससे और ज्यादा भयावह है। सोचिए प्राथमिकता क्या है, क्या प्राथमिकता हमारी या हमारे पूरे शासन की ये होनी चाहिए कि कैसे उन दो कपल्स के ऊपर नजर रखी जाए जो शायद दूसरे धर्मों से हैं, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ FIR करते रहे किसी की भी इंफॉर्मेशन के आधार पर बिना उसकी जांच किए, या फिर इस तरह के क्राइम को उत्तर प्रदेश में होने से रोका जाए। नहीं, रोका नहीं जाएगा। जब क्राइम हो जाता है लीपापोती करने में हमारा उत्तर प्रदेश का पुलिस महकमा और हमारी सरकार बहुत आगे है। लीपापोती बस किसी तरह से उस पूरी घटना पर कर दी जाए, इसमें बहुत आगे है। वीडियो से बांग्लाई जरा हिंदुत्व नहीं कथा बोलें, जरा मद्रासा नहीं कथा बोलें, जरा मस्जिद नहीं कथा बोलें, जरा हिंदू मुसलमान मध्य भागाभागी करें, जरा लाभ जिहादर कथा बोलें, आज के कहाँ गया बे, निकाल साले, उठा आवाज, हिंदू बन धर्षण हो मंदिर भरे संगे एक पुरोहित पुजारी से धर्षण कर आवाज़ उठा कथा बोल, चलो सकले भलो थकबें।